हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग 10 कदम सीरीज का पार्ट 6 आपके साथ लेकर आए हैं। जैसा कि पैटर्न है, मिक्स क्वेश्चन लेकर आए हैं। बीच बीच में हम ऐसे वीडियोस नहीं ला रहे हैं 10 कदम में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज 10 बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके पास हैं। चैप्टर वाइज भी आपको मिलेंगे, एक्स्ट्रा आपको मिक्स क्वेश्चन भी मिलेंगे, ताकि आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे हो तब आपको इस तरह के क्वेश्चन को डील करने में दिक्कत ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि हमारे इसमें पैटर्न है, पहले 4 क्वेश्चन हमारे इंटीग्रेशन के, फिर चैप्टर वाइज 1-1 क्वेश्चन, 3D के 2 क्वेश्चन और फिर प्रोबेबिलिटी का 1 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास log x अपॉन 1+x का होल स्क्वायर। चलिए बताइए क्या लगता है आपको यहाँ पर, क्या चीज करी जा सकती है, क्या डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूशन होगा, क्या चीज आपको लगता है, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, क्या लगाया जा सकता है यहाँ पर? सब्स्टिट्यूशन तो देखिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि log x जनरली तो सब्स्टिट्यूशन हमारी सबसे ज्यादा मदद करता है। तो log x का अगर हम डेरिवेटिव ले तो 1/x आता है, और ये 1/1+x का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ना ही ये इसका डेरिवेटिव है, ना ही ये इसका डेरिवेटिव है फिलहाल। तो और कुछ भी अगर आपको लगता है तो आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या चीज लग रही है। पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं लग सकता, क्योंकि log x में पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाया जाता। क्लियर। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी नहीं है यहाँ पर, डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो आपने कौन कौन से मेथड सीखे हैं? सब्स्टिट्यूशन सीखा है, पार्शियल फ्रैक्शन सीखा है और बाय पार्ट सीखा है। तो यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं बाय पार्ट्स के, क्योंकि दिखने में नहीं लग रहा है बच्चों, है ना, लेकिन यहाँ बाय पार्ट्स लग रहा है। log x को एक तरफ ले लीजिए और 1/1+x² को एक तरफ ले लीजिए। तो यही किया हमने, log x को एक तरफ और 1/1+x² को एक जगह ले लिया। अब आइलेट के अकॉर्डिंग बाय पार्ट्स यहां लग जाएगा इजीली, क्योंकि log और इनवर्स ट्रिगो में जनरली इंटीग्रेशन के लिए हम लोग बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आइलेट के अकॉर्डिंग लोगारिथम एल्जेब्रा से पहले है, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। नाउ रूल क्या है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन देन होल का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन देन होल का इंटीग्रेशन। चलिए फर्स्ट एज इट इज, log x एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसको आप लिख सकते हैं 1+x या x+1, एक ही बात है, कि पावर -2, बिल्कुल ऊपर ले गए हम लोग। ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x, इसका अगर आप इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा, x+1 की पावर -2+1/-1। तो ये हमने इंटीग्रेट ले लिया और फिर होल का इंटीग्रेशन, राइट। चलिए log x एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा -1/x+1। बेसिकली हमने क्या किया यहां पर, x+1 की पावर -2+1/-2+1। तो ये हो गया x+1 की पावर -1, और नीचे भी -1 है, वो हमने यहां लिख दिया। ये था 1/x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और x+1 की पावर जो नेगेटिव है ये नीचे आ गई, पॉजिटिव कर दिया हमने पावर। अब हमें इसका इंटीग्रेशन लेना है, ये पार्ट तो हमारा हो गया, माइनस को हमने बाहर ले लिया, log x जो ये पावर नेगेटिव थी इसके अपॉन में, इसको हमने i1 अलग से ट्रीट कर दिया। अब इस i1 का आप दो तरीके से इंटीग्रेशन ले सकते हैं, एक तो आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, या आप इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा सकते हैं, ना, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 है, तो न्यूमरेटर में जब 1 होता है तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फॉर्मुला लगा सकते हो, 1/x+x² + a² x² - a², तो यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लगाया जा सकता है। और जिसका दिमाग इस तरफ जा रहा है कि हम यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगा लें, बिल्कुल परफेक्ट है, आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। फिलहाल हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया, तो x² + x एज इट इज आ गया। कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए क्या होता है, b/2 का होल स्क्वायर। b क्या होता है, x का कोफिशियंट, तो x का कोफिशियंट 1 है, 1/2 का होल स्क्वायर। तो हमने इनके बाद 1/2 का होल स्क्वायर एड करा और लेस करा, अब ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, x+1/2 का होल स्क्वायर, और ये -1/2 स्क्वायर अलग रहेगा आपके पास, राइट। ये देखिए पहले से आपके पास था, यहां पर आपके पास आइडेंटिटी बन गई, 1/x² - a², तो 1/x² - a² की आइडेंटिटी लगा दीजिए, ये लगा दीजिए एज इट इज, या जाएगा 1/2 × a log x - a x + a। x की जगह इसने लिए, इसका डेरिवेटिव लेना मत भूलिएगा। तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, 1, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये 2 से 2 कट गया, बाकी थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए आ गया, यहां पर भी ये इससे कट गया, 1/2 + 1 हो गया, तो नीचे आ गया x+1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। वैसे तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट ये पहचानना कि इसमें बाय पार्ट्स लगेगा ये थोड़ा सा अलग था, राइट। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, अगर ये e की पावर x नहीं होता तब तो यहाँ चांसेस थे कि हम पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में ही इसके सोचते, सब्स्टिट्यूशन तो फिलहाल नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में सोचते। लेकिन जब ये e की पावर x आ जाता है और एल्जेब्रा आ जाता है, तो बाय पार्ट्स वाली एक्सरसाइज में अगर आप आएंगे तो उसमें 2 टाइप है, एक में सिंपल बाय पार्ट्स लग रहा है
और एक में बाय पार्ट्स अगर दो बार लग रहा हो, जहां पे ई की पावर एक्स हो, वहां पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया है आपको, उसी फॉर्मूले का यूज यहां पर ज्यादा चांसेस है बच्चों, क्योंकि ई की पावर एक्स दिख जाए और एलजेब्रा दिख जाए या ट्रिगो दिख जाए तो ज्यादा चांसेस उसी फॉर्मूले के लगते हैं। तो आपको यही कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू कि आपको अंदाजा दिया जा सके कि कब क्या लगता है ना। तो अगर ये नहीं होता तो पार्शियल फ्रैक्शन, इसके होने से हमारा दिमाग उस तरफ मूव कर गया कि बाय पार्ट्स वाली एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला था ई की पावर एक्स विद इन ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, उसका आंसर होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स। तो हो सकता है वही बने, लेकिन उसके लिए इसको दो टर्म में तोड़ना जरूरी है। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें माइनस वन प्लस वन करेंगे ताकि इसे दो पार्ट में ब्रेक किया जाए। ये आपके पास है, यहां पर हमने देखिए पहले माइनस वन किया और फिर प्लस वन करा, और ये प्लस वन तो चल ही रहा था, क्या किया माइनस वन प्लस वन, और ये प्लस वन एज इट इज चल रहा था। अब ये वाला पेयर अलग कर लीजिए और ये टू अलग कर लीजिए, तो दिस अपॉन दिस अलग और टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अलग। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन को आप क्या ओपन कर सकते हैं, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन कर सकते हैं, इसको क्या खुल जाएगा, ये एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। अब नीचे जो एक एक्स प्लस वन है, एक ये कट जाएगा और ये आपके पास एज इट इज रह गया, राइट। तो देखिए बिल्कुल वैसी सी फॉर्म ये नजर आ रही है, हो सकते हैं वही चांसेस हैं, राइट। चलिए देखते हैं आगे, तो देखिए ये हमने इसको कट कर दिया x प्लस वन से, ये कट हो गया, आपके पास रह गया x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब आप यही लग रहा है कि यही फंक्शन हो सकता है, यही इसका डेरिवेटिव हो सकता है, तो हमने इसको एफ एक्स लिया और इसका डेरिवेटिव लिया, क्वेश्चन रूल लगेगा ऑब्वियसली, फर्स्ट का डेरिवेटिव x माइनस वन का डेरिवेटिव वन, ये एज इट इज माइनस, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव वन होल अपॉन में सेकेंड का होल स्क्वायर। इसको हमने ओपन करा, x से माइनस x कट जाएगा टू अपॉन दिस, आप देख सकते हैं यही चीज आ गई f डैश x। तो अगर ये फंक्शन है तो ये इसका f डैश x है, तो बस अब डायरेक्ट प्रॉपर्टी लग रही है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स एफ डैश x, और यहां पर आपके पास e की पावर x dx अगर हो तो आपका आंसर आ जाता है e की पावर x एफ एक्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा आंसर क्या आ गया, e की पावर x, और एफ एक्स क्या है हमारे पास, ये तो e की पावर x एफ एक्स, और c तो जरूर लगाना है, उसको नहीं भूलना है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिए अगर आप ढूंढ रहे हैं कि लास्ट ईयर के पेपर, प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये वही है बच्चों, ये प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर्स में पेपर में ही आए हुए क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनको हम आपके लिए एक तरीके से छाट के लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आपके पास अलग तरीके के क्वेश्चंस जिसमें कुछ अच्छा कंसेप्ट हो और जो आप लोगों को देखकर जाना एग्जाम में जरूरी है वो आप लोगों को एक साथ मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके पास, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, मे बी हो सकता है यही वाला हो, याद करने की कोशिश कीजिए, राइट। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, बहुत बिखरा हुआ है और बहुत बड़ा है, और इंटीग्रेशन जब तक टर्म्स को छोटा नहीं कर लेता तब तक इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है। देखिए कितनी सारी टर्म्स है इसके अंदर, बाय पार्ट भी समझ में नहीं आ रहा, सब्स्टिट्यूशन भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले तो ये लॉग जो है ना, इसको हम थोड़ा कंबाइन कर सकते हैं, तो हम वो करेंगे, ये जो टू है ये हम इसकी पावर ले आएंगे और फिर लॉग ए माइनस लॉग बी की प्रॉपर्टी बना देंगे, है ना। माइंड में ही अगर आप ये चीज करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये टू इसके अपॉन में चला गया लॉग एक्स स्क्वायर, और लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, जब आप लॉग ए माइनस लॉग बी की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कुछ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा। तो जैसी टर्म इसके अंदर बन रही है वैसे यहां पर भी बनाई जा सकती है, और इसके लिए हमने ये करा कि एक्स की पावर फोर में से एक एक्स इसके साथ ले लिया और एक्स क्यूब को यहीं रहने दिया, राइट। ये थोड़ा सा आपको अंदाजा क्वेश्चन देखकर ही लगाना पड़ता है। तो एक्स की पावर फोर में से एक्स को हमने यही छोड़ दिया, एक्स क्यूब को यहीं रख दिया। आप चाहें तो ये नहीं भी करें कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी आपके पास ये चीज ऑटोमेटिकली बच जाएगी। अब हमने क्या करा, ये जो टू था ये ऊपर ले गए, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी, ये आ गया लॉग ए अपॉन बी, ये वन अपॉन एक्स क्यूब हमने बाहर ले लिया। ये जो एक्स था ना, क्योंकि हमें पता था बिल्कुल सेम चीज इसके अंदर बनाई जा सकती है, तो इसीलिए हमने ये एक्स अलग किया था, और जो ये एक्स है जब रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, रूट से बाहर आया होगा तो एक्स। अब देखिए सेम चीज यहां है, यहां बन गई, जितना ज्यादा हो सके आपके पास सेम चीज होगी तो सब्स्टिट्यूट करना उतना ज्यादा आसान होता है। यही वजह थी कि लॉक के अंदर हम ये देख पा रहे थे और यही चीज हम यहां पर बना सकते थे, तो हमने इसमें से x की पावर 4 में से एक x इसको दे दिया था, क्लियर है। अब अगर आप समझेंगे तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन अगर आप t लेट करें तो ये इसका डेरिवेटिव है, लेकिन इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस अपॉन दिस, राइट, तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो आ गया वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, सेम यहां पर आ गया। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लेके देखिए, वन का डेरिवेटिव जीरो और वन अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब, इसका मतलब इसको और इसको अगर आप टी पुट करेंगे तो एटलीस्ट ये तो कट जाएगा ना, और काफी सिंप्लीफाई भी हो गया। तो बस यही करने वाले हैं हम लोग, टी इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और वन का डेरिवेटिव जीरो, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब, क्लियर। यहां से डीएक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स क्यूब अपॉन माइनस टू डी टी, तो ये हो गया रूट टी लॉग टी वन अपॉन एक्स क्यूब, और यहां पर डीएक्स की वैल्यू रख दी,
एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, माइनस वन बाय टू को बाहर ले लेते हैं और रूट टी और लॉग टी डी टी आपके पास बच गया। अब ये सवाल उठता है कि इसमें क्या लगाया जाए, तो बहुत नॉर्मल सी बात है, लॉग आ गया, एल्जेब्रा आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया, तो क्या लगेगा, बाय पार्ट्स ही अप्लाई होगा बच्चों, राइट। तो बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग लॉग पहले आएगा फर्स्ट और एल्जेब्रा सेकेंड, तो फर्स्ट एज इट इज, ठीक है, माइनस वन बाय टू बाहर ले लिया, फर्स्ट एज इट इज रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर हाफ प्लस वन विच इज थ्री बाय टू, और सेम थ्री बाय टू नीचे आता है जिस तरह ऐसी प्रोकल हमने कर दिया, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव वन अपॉन टी, इसका इंटीग्रेशन सेम यही चीज यहां लिख दी, फिर होल का इंटीग्रेशन, राइट, टू बाय थ्री बाहर आ गया, टी की पावर थ्री बाय टू और टी की पावर वन, इन दोनों को ध्यान से देखिएगा, टी की पावर थ्री बाय टू अपॉन टी की पावर वन, तो माइनस हो जाएगा, ये क्या रह गया, टी की पावर हाफ, फिर टू बाय थ्री बाहर आ गया, अंदर रह गया था टी की पावर हाफ जिसका इंटीग्रेशन सेम टू बाय थ्री टी की पावर थ्री बाय टू हो जाएगा, क्लियर। बस अब आप ज्यादा से ज्यादा माइनस वन बाय टू को अंदर इंटू कर दीजिए, तो ये सिंप्लीफाइड होकर टर्म आ गई आपके पास, और फिर टी की वैल्यू रख दीजिए जो कि थी वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, अब एक डेफिनेट का क्वेश्चन ले लेते हैं, माइनस वन से वन मॉडुलस एक्स क्यूब माइनस एक्स डीएक्स। देखिए हमने आपको बहुत क्लियर प्रॉपर्टीज के बारे में बताया कि जब मॉडुलस आता है तो ब्रेकअप की प्रॉपर्टी लगती है, यानी आपको इस मॉडुलस को ब्रेक करना पड़ेगा इंटरवल्स में, कब ये मॉडुलस का पॉजिटिव फेस है, कब इस मॉडुलस का नेगेटिव फेस है। जैसा कि हम लोगों से पढ़ते हुए स्टूडेंट्स को पता है कि हम मॉडुलस के दो फेस डिसाइड करते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, उसके हमें इंटरवल निकालना पड़ता है। बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि जो भी आप 10 कदम सीरीज के क्वेश्चंस देखते हैं, आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं, उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगते हैं उन्हें नोट डाउन कीजिए और उन्हें जरूर ट्राई करके देखिए, क्योंकि सिर्फ देखने से वो चीज उतनी क्लियर नहीं होगी जब तक आप खुद से उनको ट्राई नहीं करेंगे। तो बेशक आप उनका बंडल बनाते रहे वो अलग बात है, लेकिन अगर आप वीडियो के एंड होने पर उन क्वेश्चन को नोट डाउन करके फिर देखें, करके ट्राई करें, और फिर अगर आपको कोई डाउट आता है फिर आप उसको रेक्टिफाई करें तो ज्यादा बेटर होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। तो चलिए इवैल्यूएट माइनस वन से टू और मॉडुलस में एक्स क्यूब माइनस एक्स है, तो हमें क्या चाहिए, ब्रेकअप प्रॉपर्टी, उसके लिए हमें इंटरवल चाहिए, तो मॉडुलस के अंदर वाली चीज को हम जीरो के इक्वल रख देते हैं ताकि हमें एक्स की वैल्यूज मिल जाए जो इस इंटरवल के बीच में है। एक्स कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटी खुल गई, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो एक बार एक्स को जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू जीरो, एक बार इसे जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू वन, एक बार इसे जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस वन। अब हम नंबर लाइन बना लेते हैं, और नंबर लाइन पर हमको पता है हमें लिमिट दी गई है माइनस वन से टू, इसके बीच में ही नंबर्स लेने आपने, तो माइनस वन आपने ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिए जीरो और वन, तो एक इंटरवल बन गया माइनस वन से जीरो, एक बन गया जीरो से वन और एक बन गया वन से टू, ठीक। अब आपको ये चेक करना है कि माइनस वन से जीरो पर ये मॉडुलस का पॉजिटिव फेस है या नेगेटिव, तो माइनस वन से जीरो के बीच में कोई भी एक नंबर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल माइनस वन बाय टू यहाँ पे पुट कीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस वन बाय एट और ये आ जाएगा हाफ। अब हाफ जो होता है वो वन बाय एट से बड़ा होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव फेस है यहाँ पर, तो मॉडुलस हटाकर हम पॉजिटिव ले लेंगे। जीरो से वन के बीच में कोई वैल्यू लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हाफ ले लेते हैं, पहले हमने माइनस हाफ ली थी अब हाफ ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा वन बाय एट माइनस हाफ। अब हाफ बड़ा होता है ऑब्वियसली इससे, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। नाउ वन से टू के बीच में ले लीजिए थ्री बाय टू, यहाँ पे रखिए 27 बाय 8 माइनस 3 बाय 2, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो बस एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या आ रहा है, उसके बाद आप इससे मॉडुलस हटा देंगे, बिकॉज मॉडुलस में हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हमारा आ गया था माइनस वन से जीरो में पॉजिटिव, तो मॉडुलस हटा दिया और पॉजिटिव साइन लगा दिया, फिर जीरो से लेकर वन में नेगेटिव, तो देखिए नेगेटिव साइन लगा रखा है, ठीक है, फिर वन से लेकर टू में पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव साइन लगा रखा है। अब बस इंटीग्रेट करना है और वैल्यू पुट करनी है, तो x की पावर 4 अपॉन 4 दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका माइनस ओपन कर दीजिए, ये आगे आ जाएगा ये पीछे चला जाएगा, मतलब ये जो माइनस x था ये पॉजिटिव और ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन 4, नाउ सेम x की पावर 4 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 2। बस अब आपने लिमिट पुट करना है, उसे बहुत ध्यान से पुट करना है, यही सबसे ज्यादा गलती होती है, इस पूरे में x की जगह 0 माइनस इस पूरे में x की जगह माइनस वन, तो देखिए हमने जीरो पुट करा माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करी आपके पास, सेम इस पूरे में आपने x की जगह वन पुट करा माइनस, पूरे में आपने जीरो पुट करा, ठीक है, इस पूरे में x की जगह टू पुट करा ये आया माइनस, इस पूरे में आपने वन पुट करा ये आया। अब इनमें इसको सिंप्लीफाई करा तो हमारा आंसर आ गया 11/4, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का,
बोर्ड के एग्जाम में आपके आया था, पहली बार इस तरीके से मिक्सिंग करी गई थी टेंजेंट नॉर्मल की एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के साथ। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ध्यान दीजिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बहुत क्लियर कर दिया है कि जो ट्राइंगल बनना चाहिए उसमें एक साइड होनी चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक टेंजेंट और एक नॉर्मल टू द सर्कल। ठीक है, तो ट्राइंगल हमें चाहिए लेकिन वो ट्राइंगल टेंजेंट नॉर्मल और एक्स एक्सिस के बीच में होना चाहिए। सबसे पहले तो आप सर्कल को अगर देखेंगे तो सर्कल बड़ा क्लियर है, सर्कल की इक्वेशन आपको दिख रही है और सेंटर भी आपको नजर आ रहा है। क्या सेंटर है इसका? 0.0 और रेडियस कितनी है? 2। इसमें कोई डाउट नहीं है, हमने सर्कल बना लिया, घबराना नहीं है किसी भी क्वेश्चन से। तो ये 2, ये आपके पास 2, ये -2, ये आपके पास -2। सबसे पहले हमने अपना सर्कल तैयार कर लिया, ठीक, इसकी रेडियस 2 है। अब हमें ये बहुत क्लियर कहा गया है कि वो जो टेंजेंट है वो इस सर्कल पर। अब टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, टेंजेंट की इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है? y-y1 स्लोप x-x1। तो आपको x1 y1, देखिए एट दे रखा है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो दे ही रखा है, तो x1 y1 तो आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है। स्लोप, कर्व का डेरिवेटिव लेते हैं तो स्लोप आती है, तो ये हमारा कर्व है, इक्वेशन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास स्लोप आएगी। कई लोगों को लगेगा कि टर्म 1 में चैप्टर आया था तो ये दोबारा नहीं पूछा जा सकता, तो ऐसा नहीं है बच्चों। कंसेप्ट तो ये मानेगा ना टीचर कि आपको इसी साल पढ़ाया गया और याद जरूर होगा। हाँ, उसका क्वेश्चन नहीं दिया बट एओआई में इक्वेशन तो दे ही सकते हैं ना, जैसे 11th क्लास के स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला या डिस्टेंस फॉर्मूला आपको 12th में दिया जा सकता है ना, तो इसीलिए आपको ये जरूर समझना है। तो x2 + y2 = 4, ये आपके पास कर्व है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसमें से dy/dx जो होगा वो हमारी टेंजेंट और नॉर्मल की स्लोप में काम आएगा, तो हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दे रखा है। चलिए सबसे पहले देखिए, मैंने ये चीजें लिख दी कि तो मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टेंजेंट और नॉर्मल, इन तीनों की मदद से एक ट्राइंगल है उसका एरिया निकालना। तो ये मैंने सर्कल लिखा, सर्कल का सेंटर निकाल लिया मैंने, सबसे पहले 0.0 और रेडियस कितनी आ गई 2। अब मुझे क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसके लिए मुझे स्लोप चाहिए क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो दे रखा है। तो ये x2 + y2 = 4 मेरे पास टेंजेंट की कर्व की इक्वेशन है, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, x का डेरिवेटिव 2x, y का डेरिवेटिव 2y, dy/dx, 4 का डेरिवेटिव 0, 2 कॉमन लेकर वहां जाके 0 हो गया, राइट? तो अब dy/dx की वैल्यू निकालिए, x वहां जाके माइनस हो जाएगा और y उसके अपॉन में आ जाएगा, तो dy/dx आ गया -x/y। ये क्या होती है? टेंजेंट की स्लोप, राइट, m। अब स्लोप हमेशा पॉइंट अगर आपको दे रखा हो तो आपने कांस्टेंट में निकालनी, और आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दे रखा है 1.3, तो आपको x और y की वैल्यू दे रखी है, आप पुट कर दीजिए, तो ये आपके पास dy/dx आ गया -1/3। दिस इज टेंजेंट की स्लोप। अगर ये टेंजेंट की स्लोप है तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी? इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज, बेसिकली -1/m इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज, तो √3 आपकी नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गई? y-y1, हियर इज y1, स्लोप x-x1। अब -1/√3 को अंदर इंटू कर दीजिए और √3 को भी यहां ले जाइए, क्योंकि जनरली आपको पता है एओआई में आप जब कर्व रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं तो आपको वाई की वैल्यू चाहिए होती है, तो पहले से ही निकालेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो -1/√3 को अंदर इंटू कर देंगे, फिर √3 को हम यहां ले आएंगे। तो हमने बड़े स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन किया, सबसे पहले हमने सर्कल बना लिया लेकिन अब हमें टेंजेंट चाहिए, है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो हमको पता है कहां पर है। तो हमने टेंजेंट की इक्वेशन के लिए पहले कर्व से स्लोप निकाल ली, स्लोप में वैल्यू रख दी x1 y1, स्लोप से हमने टेंजेंट की इक्वेशन बना ली। अब टेंजेंट की इक्वेशन बन गई तो नॉर्मल की तो बनी जाएगी, बिकॉज x1 y1 यही है और नॉर्मल की स्लोप ये रही हमारे पास। तो आपके पास ये देखिए, वो हम -1/√3 को अंदर इंटू कर दिया तो √3 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन, दैट इज 4 - x/√3। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। अब नॉर्मल की इक्वेशन y-y1 -1/m x-x1, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सेम रहता है, देखिए ये कोई भी कर्व है ये टेंजेंट है, नॉर्मल क्या होती है उस पर परपेंडिकुलर लाइन, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो होता है वो सेम होता है जो कि यहां पर है 1.3। तो y1 की जगह √3, x1 की जगह 1, और आपकी स्लोप नॉर्मल की कितनी थी? √3। √3 को अंदर इंटू कर देंगे तो ये आपके पास कट गया y = √3x। ये क्या आ गई आपके पास? स्लोप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये रही आपकी टेंजेंट की इक्वेशन और ये रही आपकी नॉर्मल की इक्वेशन। अब हमें इसको प्लॉट करना है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये 0.0 से पास होके जाएगी, ये भी आप चेक कर सकते हैं हमेशा जब आप बनाते हैं। तो देखिए 1.3, अब देखिए अगर ये 2 है तो 1 यहां पर होगा कहीं पर, ठीक है, और √3 जो है थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं बिकॉज उसकी वैल्यू 1.73 होती है, और क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है तो ये सर्कल पर तो जरूर होगा। बिल्कुल सही बात, सर्कल पर बिल्कुल जरूर होगा। तो जो टेंजेंट है वो लाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगी आपके पास लाइक दिस, ये टेंजेंट है, दैट इज
y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन रूट 3, और जो नॉर्मल होती है वो उस पर परपेंडिकुलर होती है, और आपके पास की जो लाइन है 0,0 से भी जा रही है, तो ये कुछ इस तरीके से बन गई y इज इक्वल टू रूट 3x। ये देखिए नॉर्मल की इक्वेशन दे रखी थी आपको, y इज इक्वल टू रूट 3x। अब उसने क्या बोला था, नॉर्मल टेंजेंट और पॉजिटिव एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो आपको जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है उसका एरिया आपको निकालना है, मतलब आपको ये एरिया निकालना है, यहां से परपेंडिकुलर जरूर ड्रॉ करिएगा, राइट। तो क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया, 0 से लेकर 1 तक, ये कौन सी लाइन है नॉर्मल, तो 0 से लेकर 1 तक नॉर्मल का एरिया डीएक्स प्लस 1 से लेकर अब यहां तक हमको चाहिए। अब ये पॉइंट हमको नहीं पता, तो ये पॉइंट कैसे निकालना है ध्यान से सुनिएगा, ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट और एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर होता है तो उसमें एक्स की वैल्यू होती है लेकिन वाई जीरो होता है, राइट। तो यहां पर आप वाई जीरो रख दीजिए, यहां पे वाई जीरो रखेंगे रूट 3 0 हो गया, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी ये पॉइंट हो गया 4,0, राइट। तो इसका मतलब 0 से लेकर 1 नॉर्मल लाइन, फिर 1 से लेकर 4 टेंजेंट वाली लाइन का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन, उनको प्लस कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये डायग्राम बना, हमने आपको बनाकर भी साथ साथ दिखाया क्योंकि हमें पता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले। चलिए देखते हैं अब इसका इंटीग्रेशन, राइट। देखिए ये था ना 0 से लेकर 1 नॉर्मल, 1 से लेकर 4 टेंजेंट, तो नॉर्मल में से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 3x, और टेंजेंट की इक्वेशन आ गई आपके पास ये, बस अब आप इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ले लीजिए रूट 3 एज इट इज, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 बाय रूट 3 को बाहर ले लिया, 4 का इंटीग्रेशन 4x, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। अब आपने इसमें लिमिट लगानी है जो कि बहुत ध्यान से लगाने की जरूरत है, तो रूट 3 बाय 2 को बाहर ले लो, ये 2 को आप बाहर ले सकते हो, एक्स स्क्वायर में एक बार 1 रख दीजिए माइनस एक बार 0, 1 बाय रूट 3 बाहर, एक बार इस पूरे में x की जगह 4 रख दीजिए, देखिए 16 माइनस 16 बाय 2 माइनस, और एक बार इसमें x की जगह 1 रख दीजिए ध्यान से, राइट। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यार है रूट 3 बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा 16 बाय 2 माइनस 7 बाय 2, ये आ गया 9 बाय 2 आपके पास, राइट। और ये 1 बाय रूट 3 भी है आपके पास यहां पर, तो ये रूट 3 बाय 2 और ये गया 9 2 रूट 3, आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 रूट 3 एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे क्या नहीं है रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 9 12 अपॉन 2 रूट 3, 2 से 12 को काट दीजिए 6 अपॉन रूट 3 स्क्वायर यूनिट, जनरली नीचे रूट भी नहीं रहने देते तो आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां पे भी छोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स डी वाई वाई माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, ऑब्वियसली डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं इसको वहां ले जाते हैं, आप यही कोशिश करते हैं कि सेपरेबल लग रहा है या होमोजीनियस लग रहा है या लीनियर लग रहा है, इसको चेक करना। देखिए होमोजीनियस ये बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि सबकी डिग्री अलग है, बचा सेपरेबल और लीनियर, तो पहले ट्राई करेंगे सेपरेबल, तो सेपरेबल के भी चांसेस कम है क्योंकि वाई और एक्स के बीच में प्लस माइनस चल रहा है, फिर भी डीएक्स को यहां ले जाते हैं, डीवाई बाई डीएक्स की वैल्यू पहले निकालने की कोशिश करते हैं, इसको वहां ले गए अपने पास डीवाई अपॉन डीएक्स और ये एक्स इसके अपॉन में कर दिया, तो ये इसके अपॉन में हो गया, ये इसके अपॉन में हो गया, नाउ सेपरेट करो एक्स क्यूब अपॉन दिस अपॉन दिस। अब देखिए सेपरेट नहीं कर पाएंगे आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि वाई वाली टर्म यहां ले जाए, पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका मतलब सेपरेबल मेथड भी कट गया, होमोजीनियस पहले ही कट गया था, तो कौन सा बचा आपके पास, इट्स अ लीनियर। तो अब देखिए लीनियर की क्या फॉर्म होती है आपके पास, डीवाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, राइट, जो अभी आपके सिलेबस में है, तो ये वाई वाली टर्म है इसको इसके पास ले जाइए, तो डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नाउ अब पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो पी कितना हो गया वाई को छोड़कर 1 बाय एक्स और क्यू हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर। अब हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स, ई से लॉग का कैंसिल आउट इफेक्ट होता है, हमारे पास आंसर बच गया एक्स। नाउ आगे वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स, तो वाई इंटू एक्स, क्यू था एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स, तो ये आपके पास आ गया एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, सॉरी एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4, फिर हम इसको ये एक्स को नीचे ले आए तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 4 और सी अपॉन एक्स, राइट। तो कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट डाले हैं, कुछ थोड़े इजी भी डाले हैं, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन डाला है वाई का वो थोड़ा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा इजी डाला है, वेक्टर का भी थोड़ा सा अलग डाला है, और अभी आप देखिएगा 3D का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो चलिए देखते हैं एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, 3D का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी एंड ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस डी, देन शो दैट ए माइनस डी वैक्टर इज पैरेलल टू बी माइनस सी। जनरली क्या होता है जिन क्वेश्चंस में नंबर नहीं दिए होते उनको देखते ही बच्चा घबरा जाता है, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को भी लिया है, पर घबराने की जरूरत नहीं, आपको क्या प्रूफ करना है कि ये वेक्टर इसके पैरेलल है, तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए आप इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट चेक करो, अगर इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया
तो आपके पास ये पैरेलल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसका इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और इन बिटवीन ये इन्फॉर्मेशन हमारी मदद करेगी। तो हमने ले लिया ए वैक्टर माइनस डी वैक्टर क्रॉस बी माइनस सी वैक्टर। अब क्रॉस कैसे होगा, ए क्रॉस बी फिर ए क्रॉस सी बीच में माइनस, माइनस डी क्रॉस बी माइनस माइनस प्लस हो गया डी क्रॉस सी। क्लियर, अब ध्यान से सुनिए, ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी के इक्वल है और यहाँ डी क्रॉस सी है। तो अगर डी क्रॉस सी को आप सी क्रॉस डी लिखना चाहते हैं तो बाहर नेगेटिव आ जाता है, तो इसको हम लिख देंगे सी क्रॉस डी और माइनस बाहर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ डी क्रॉस बी है और ये है बी क्रॉस डी, तो इसमें से भी माइनस बाहर ले लेंगे और बी क्रॉस डी बना देंगे। दोनों ये टर्म हमने एज इट इज रखी, इसको हमने बना दिया बी क्रॉस डी, तो माइनस बाहर आ गया माइनस माइनस प्लस। इसको बना दिया सी क्रॉस डी, इसमें माइनस बाहर आ गया। बस अब देखिए ए क्रॉस बी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी क्रॉस डी के। तो ये दोनों टर्म बेसिकली क्या हो रही है, कट रही है, और ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी के इक्वल है, तो ये दोनों टर्म कट रही है। तो हमने एक बार लिखकर भी दिखाया है, तो ये जीरो के इक्वल आ गया। अगर इनका क्रॉस जीरो के इक्वल आ गया इसका मतलब ए वैक्टर माइनस डी वैक्टर पैरल है बी माइनस सी वैक्टर के, राइट। तो देख के क्वेश्चन को घबराना नहीं है, कंसेप्ट को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे जरूर ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज करके करिएगा, ध्यान से सुनिएगा और फिर इसे ट्राई करिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन। लाइन को एक मिरर की तरह मान लीजिए और इस लाइन में इस पॉइंट का इमेज निकालना है आपने। इतना ही नहीं, इमेज निकालने के बाद ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑल्सो। तो तीन काम कहे हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक लाइन है जिसको आप मिरर समझ लीजिए, ए बी इज अ मिरर लाइन जो कि इक्वेशन दे रखी है आपने देखा होगा। ये मैंने पी पॉइंट लिया 2-1, 5। अब कह रहा है इसकी इमेज, इसकी इमेज बिल्कुल इतने ही इक्वल डिस्टेंस पे नीचे है। देखिए पी डिस्टेंस जितना पी एम है उतना ही पी डैश एम होगा, याद रखिएगा। तो इसका मतलब आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि एम मिड पॉइंट है यहाँ पर, बिल्कुल सही। ये कंक्लूजन जरूर याद रखना आपने कि एम यहाँ पे मिड पॉइंट है, क्योंकि जितना पी एम डिस्टेंस है उतना ही उसका इमेज का डिस्टेंस होता है। तो इमेज का पॉइंट निकालना है आपको, एम एंड टी की वैल्यू निकालनी है। तो फिलहाल गिवन क्या है, आपको ये पॉइंट गिवन है, ये लाइन गिवन है जो कि मिरर के तौर पर रोल प्ले कर रही है और इसका इमेज जो है वो यहां आया हुआ है एम एंड टी, राइट। आपको ये पॉइंट निकालना है, फिर पी पी डैश की इक्वेशन निकालनी है और पी पी डैश का डिस्टेंस निकालना है। तीनों काम करने, लेकिन वो तभी होंगे जब आप ये एम एंड टी निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको ये इमेज के कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। इसमें जो खास बात है वो ये होती है कि जो पी एम लाइन है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है इस लाइन पर, यानी जो इमेज होगी वो बिल्कुल सीधी जाएगी। सबसे जरूरी तो ये है कि ये पूरी लाइन इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर, पीएम परपेंडिकुलर है इस पर। दूसरा, अभी हमने आपको बताया कि पीएम का डिस्टेंस पी डैश एम के डिस्टेंस के इक्वल है, इसका मतलब एम मिड पॉइंट है। बस इन दो बातों को आपने ध्यान रखना है, इन्हीं दोनों से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, पीएम परपेंडिकुलर है एबी का, यही चीज का यूज होगा, और उसके बाद एम जो है वो मिड पॉइंट है, तो यही इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपके पास इसका इस्तेमाल करो, इसको कोई भी चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर दोनों चीजों का इस्तेमाल करके ही आपके पास ये पी डैश पॉइंट निकलेगा। देखिए अब सबसे पहले हमने क्या किया, हमें ये लाइन गिवन है, देख रहे हैं आप लोग, ए बी लाइन, इसकी हमने पॉइंट निकालने की कोशिश करी एक्स वाई जेड पॉइंट निकालने के लिए, और पॉइंट निकालने के लिए जनरल पॉइंट होता है ये, इसको लैम्डा के इक्वल इक्वेट कर दिया है ना, ऐसा हमने पहले भी 3D के क्वेश्चन में करा है, लैम्डा के इक्वल इक्वेट कर दिया, इसको अलग लैम्डा के इक्वल, इसको अलग, इसको अलग। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 लैम्डा प्लस 11, यहां से आ जाएगी -4 लैम्डा -2 -11 लैम्डा -8। ये जो एक्स वाई जेड आपके पास पॉइंट आया ये इस लाइन पर कहीं भी हो सकता है, लेकिन हमने माना कि ये पॉइंट m है। क्या मान लिया, ये जनरल पॉइंट है, क्योंकि लैम्डा पे डिपेंड करेगा ये पॉइंट कहां होगा, लेकिन हमने ये मान लिया कि ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों लाइन का, दैट इज m पॉइंट। तो हमने जो ये पॉइंट निकाला एक्स वाई जेड जो कि जनरल पॉइंट है, ये ए बी लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है, हमने इसको मान लिया कि एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी 10 लैम्डा प्लस 11 -2 लैम्डा -4 लैम्डा, ये क्या दे रखा है आपको, एम पॉइंट दे रखा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पी पॉइंट आपके पास है, एम पॉइंट आपके पास है, पीएम लाइन की डायरेक्शन रेशियो निकालनी है। क्यों मैं आपको बताती हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि पीएम परपेंडिकुलर है एबी पर, तो अगर पीएम परपेंडिकुलर है एबी पर तो इनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल, तो उसी का इस्तेमाल करना है हमने। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज तो हमारे पास है ये रहे, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने थे, जिसके लिए हमने सबसे पहले एम निकाला। तो समझ में आ गया एम क्यों निकाला, क्योंकि हमारी पहली चीज क्या है, पीएम परपेंडिकुलर है एबी पर, उसके लिए हमको पीएम के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, तो उसके लिए हमको एम पॉइंट चाहिए था। तो पहले हमने इस लाइन को लैम्डा के इक्वल इक्वेट करके एम पॉइंट निकाला। अब हम पीएम का इस्तेमाल कर क्या निकालेंगे, ये रहा हमारा एम पॉइंट, ये रहा पी पॉइंट, अब हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम निकाल लेंगे। कैसे निकलते हैं,
एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, सिंपल। तो 10 लैम्डा प्लस 11 में से 2 माइनस करोगे 10 लैम्डा प्लस 9, माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 में से ये माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 इसमें से। तो बेसिकली इसको हम x2, y2, z2 मान रहे हैं और इसको x1, y1, z1 मान रहे हैं। और डायरेक्शन रेशो कैसे आ रही है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये आ गई डायरेक्शन रेशोज ऑफ PM। तो ये PM की डायरेक्शन रेशोज हैं और ये आपके पास AB की डायरेक्शन रेशोज हैं, क्लियर। अभी हमने आपको बताया कि PM परपेंडिकुलर है इस पर, तो इसकी डायरेक्शन रेशोज और इस लाइन की डायरेक्शन रेशोज जो कि ये हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। तो ये आपने PM की डायरेक्शन रेशोज निकाली, ये AB की, आपके पास होता है A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to zero। तो बस यही हमने इस्तेमाल करा, 10 लैम्डा प्लस 9 इंटू 10, माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 को माइनस 4 से इंटू, और माइनस 11 लैम्डा माइनस 13 को माइनस 11 से इंटू। आप इसे आप सॉल्व करेंगे, इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे तो आपके पास यहां से लैम्डा की वैल्यू निकल कर आ गई माइनस 1। जैसे ही आपके पास लैम्डा की वैल्यू निकल गई आपका आधा काम हो गया, क्योंकि यहीं पर आपका क्वेश्चन सॉल्व होने का पॉसिबिलिटीज बन गई। अब जो ये लैम्डा की वैल्यू है इसको अगर आप यहां रख देंगे तो आपको एम पॉइंट मिल जाएगा, एम पॉइंट मिल गया, जिसको एक्स वाई जेड जो पॉइंट है आपके पास, एम पॉइंट मिल गया। देखिए ध्यान से यहां पर रख दीजिए माइनस 1 को, ठीक है, माइनस 1 को यहां रख देंगे तो ये आ जाएगा 1, यहां पे रख दीजिए, यहां रख दीजिए, आपके पास एम पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एम पॉइंट 1 2 3, क्लियर, ये पॉइंट आ गया हमारे पास एम पॉइंट 1 2 3। अब हमें निकालना है पी डैश पॉइंट। एक बात और रहती है जिसमें हमने कहा था ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, या आप कह सकते हो एम मिड पॉइंट है। तो अगर हम मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट कैसे निकाल सकते हो, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाय 2, यानी एम प्लस 2 डिवाइड बाय 2, एन माइनस 1 डिवाइड बाय 2, टी प्लस 5 डिवाइड बाय 2। यानी अब दूसरी बात का इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन में जो कि मिड पॉइंट वाली थी। तो हमने पी लिखा यहां पी डैश और यहां एम लिखा, एम हमारे पास ऑलरेडी था, तो मिड पॉइंट फिर हम लगा दीजिए 2 प्लस एम डिवाइड बाय 2, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, माइनस 1 प्लस एन डिवाइड बाय 2, ये 2 के इक्वल है। सिमिलरली 5 प्लस टी डिवाइड बाय 2, क्योंकि एम क्या था आपके पास, मिड पॉइंट। तो ये पी पॉइंट था, ये पी डैश पॉइंट था, इनके बीच में एम पॉइंट था जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये देखिए, क्लियर। अब यहां से आपके पास एम एन टी की वैल्यू आ गई, बस यही हमारा टारगेट था। एक बार एम एन टी की वैल्यू मिल गई यानी आपको इमेज मिल गई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पी डैश मिल गया 0.5.1, और अब आपने पी पी डैश का डिस्टेंस निकालना है और इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो ये पी पॉइंट हमारे पास है, ये पी डैश पॉइंट है। डिस्टेंस फॉर्मुला क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर। किसी को भी एक्स वन वाई वन ले लीजिए, किसी को भी एक्स टू वाई टू ले लीजिए, यहां पर अपना फॉर्मुला पुट करिए, आपके पास इनकी लेंथ आ जाएगी यानी इनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। इसके अलावा इसने इसकी इक्वेशन भी पूछी थी, दो पॉइंट। तो बेसिक टारगेट तो यहां तक है आपके पास, और उसके लिए हमने किस बात का इस्तेमाल करा है कि पीएम परपेंडिकुलर है एबी पर और एम आपके पास मिड पॉइंट है, इन दो बातों के इस्तेमाल से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इक्वेशन निकालने के लिए दो पॉइंट्स दे रखे हैं, फॉर्मुला क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन। तो बस अब आप इस फॉर्मुले में पुट कर दीजिए, ये एक्स वन वाई वन जेड वन है और ये आपका एक्स टू वाई टू जेड टू है, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, राइट। था ना अच्छा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, शो दैट द लाइन्स आर कोप्लानर। दो लाइन्स दे रखी है, उनको कोप्लानर करना है। फॉर्मूला भी कई बार भूल जाते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में करना भी भूल जाते हैं। इस क्वेश्चन में दो लाइन्स दे रखी है और आपको प्रूफ करना है वो सेम प्लेन पर लाई करती है। कोप्लानर का मतलब वो सेम प्लेन पर लाई करती है। सबसे पहले तो लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है ताकि आप उसमें से एक्स वन वाई वन जेड वन ए वन बी वन सी वन निकाल सकें। तो पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए देखिए, माइनस एक्स को मैंने आगे लिख दिया, प्लस फाइव को पीछे, सेम ये ठीक है। इसमें हमने लिख दिया जेड माइनस माइनस थ्री इस तरीके से, क्योंकि हमारा क्या होता है एक्स माइनस एक्स वन है ना, जेड माइनस जेड वन, इसीलिए। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेके नीचे वाले माइनस से काट दीजिए, बस। अब आपके पास एक्स वन की वैल्यू है 5, वाई वन की वैल्यू है 7, जेड वन की वैल्यू है माइनस 3, ए वन 4, बी वन 4 और सी वन माइनस 5 आ गया, बिल्कुल इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन से। ये देखिए इसमें फर्स्ट और लास्ट तो स्टैंडर्ड में है, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो वाई माइनस 4 और नीचे वाले 2 से वाला 2 कट जाएगा, राइट, y माइनस 4 अपॉन 2, ये इससे कट गया। तो ये हो गया x माइनस 8 अपॉन 7, y माइनस 4 अपॉन 1, z माइनस 5 अपॉन 2, क्लियर। अब यहां से x2, y2, z2, दिस इज a2, b2, c2, ये चीजें निकाल ली आपने, क्लियर, बस। इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास कोप्लानर का ये फॉर्मुला होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फर्स्ट रो, देन a1, b1, c1, a2, b2, c2, क्लियर। तो आपके पास x2 8 माइनस 5, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और a1 b1 c1 की वैल्यू, a2 b2 c2 की वैल्यू, बस। उसके बाद आपने क्या करना है, डिटरमिनेंट एक्सपैंड करना है। ये क्या है, 3, इस रो और इस कॉलम को बोल जाइए 12 प्लस 5,
ये आ जाएगा आपके पास माइनस थ्री, और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस थ्री कॉलम और इस रो को, 12 प्लस 35 ये 8, 4 माइनस 28 सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया 0। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए इसका मतलब ये दो लाइंस जो है वो सेम प्लेन पर लाई करती हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन अ हॉकी मैच बोथ टीम ए एंड बी स्कोर्ड सेम नंबर ऑफ गोल्स अप टू द एंड ऑफ गेम। तो क्या हुआ कि दोनों जो टीम थी उनके गोल्स जो थे वो बराबर थे, तो ऐसे में क्या होता है कई बार टॉस से ये डिसाइड किया जाता है कि कौन विनर रहा, क्योंकि टाई हो गया मैच, दोनों के जो स्कोर बोर्ड था वो बराबर था। द रेफरी आस्क्ड बोथ कैप्टन टू थ्रो अ डाई अल्टरनेटिवली एंड हूज कैप्टन गेट सिक्स फर्स्ट विल बी डिक्लेयर्ड विनर। तो यहां पर डाई के ऊपर डिक्लेयर करा जाएगा बिकॉज बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ गोल्स। इफ द कैप्टन ऑफ टीम ए स्टार्ट फाइंड देयर रिस्पेक्टिव चांसेस ऑफ विनर। ठीक है, इसने हमें बताया कि अगर ए ने स्टार्ट किया हो और ए इनके जीतने के चांसेस बताओ कि अगर ए ने स्टार्ट करा हो ए जीता हो या ए ने स्टार्ट करा हो बी जीता हो उसके क्या चांसेस होंगे। तो बहुत नॉर्मल सी बात है, पहले तो जीतने की सक्सेस किस पर डिपेंड करती है, डाई में सिक्स आए तो 1/6, और कब नहीं जीत पाएंगे जब सिक्स के अलावा कोई भी एलिमेंट आ जाए, दैट इज 5/6 राइट। तो बहुत नॉर्मल सी बात है, हम सबसे पहले ले रहे हैं ए ने स्टार्ट करा और ए जीते तो कब हो सकता है, ए के पास पहला चांस है, आप दो फ्रेंड खड़े हो जाइए और ए बी ए को पहला चांस दिया गया, अगर उसी में 1/6 मतलब अगर 6 आ गया तो उसके पास जीतने का चांस कौन सा है, फर्स्ट थ्रो, तो फर्स्ट थ्रो में जीत सकता है। ठीक है, क्योंकि हम ए की ही विनिंग कह रहे हैं यहां पर। अगर ए फर्स्ट थ्रो में नहीं जीता, फर्स्ट में हार गया, बी भी हारेगा, तो ए की विनिंग कब हो सकती है, थर्ड थ्रो में राइट। सिमिलरली फर्स्ट में हारेगा, बी हारेगा, फिर सेकंड में वो हारेगा, सॉरी थर्ड में हारेगा, फिर बी हारेगा, फिर फिफ्थ थ्रो में वो जीत सकता है। यानी अगर ए ने स्टार्ट करा और ए की विनिंग के चांसेस है तो ए फर्स्ट थ्रो में, थर्ड थ्रो में या फिफ्थ थ्रो में या सेवन्थ थ्रो में इस तरीके से जीत सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल ए ने स्टार्ट किया होता और बी की विनिंग आपसे मांगी जाती है, क्या बोला जाता, ए ने स्टार्ट किया और बी की विनिंग, तो अगर ए ने स्टार्ट करा और बी की विनिंग है तो पहले ए स्टार्ट करेगा, बी कब विन कर सकता है, सेकंड नंबर पर या फिर कब, अगर सेकंड नंबर पर वो नहीं जीता तो फिर वो फोर्थ नंबर पर जीतेगा, क्योंकि उसके चांस क्या है, सेकंड नंबर पर। ए ने स्टार्ट करा है पर बी की विनिंग आपको लेनी है, तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन हो जाती है राइट। तो फिलहाल अभी हमारे पास ए की विनिंग और ए की स्टार्ट, तो ये ऑप्शन हो गया, तो ए जीता 1/6। यहां पर क्या हुआ, ए भी हारा बी भी हारा, तो 5/6 दो बार आ गया, 5/6 की पावर 2, और सक्सेस एक बार मिली। यहां पर फेलियर कितनी बार मिला, 4 बार, तो 5/6 की पावर 4, और सक्सेस कितनी बार मिली, 1/6। इसका कोई एंड नहीं है, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है ना। 1/6 सक्सेस, यहां पे 5/6 दो बार, क्यों, क्योंकि दोनों बार फेलियर था एक बार सक्सेस थी, या 4 बार फेलियर था एक बार सक्सेस थी, अभी चलता रहेगा। दिस इज इनफाइनाइट जीपी, इसके सम का फॉर्मूला होता है आपके पास a अपॉन 1 - r, ये फॉर्मूला आपके पास। फर्स्ट टर्म 1/6 कॉमन रेशियो, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, मतलब दिस अपॉन दिस कर दीजिए, देखिए 1/6 से 1/6 कट जाएगा, ये आपकी कॉमन रेशियो आ गई। नाउ a की वैल्यू 1/6, 1 - r, r कितना है 25/36, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11/36, रेसिप्रोकल करा हमारे पास, तो इसका मतलब ए अगर स्टार्ट करे और ए जीते इसके चांसेस 6/11 है। तो बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर ए के जीतने के चांसेस 6/11 है तो ए के हारने के चांसेस कितने हैं, 5/11, और जो ए के हारने के चांसेस है वही तो बी के जीतने के चांसेस हैं राइट। तो इफ ए स्टार्ट बी विन 5/11। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस।